बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय व्लॉग। मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ मेरा लंच। तो यहाँ पर मैं दही को बघार रही हूँ लंच में खाने के लिए, और ये बनेगा हमारा पुदीना और कोतमीर, हरी मिर्च जिसे कहते हैं, ग्रीन चटनी कहते हैं, और ग्रीन चटनी बनाएंगी मैं इससे। तो ये है दही की पैकेट्स है, ये से मैं अच्छे से पहले वॉश कर ली हूँ, फिर मैं इसे एक बाउल में निकाल लूंगी। दोपहर का टाइम है, मैं लंच के लिए तैयार कर रही हूँ। ये दही मैंने निकाल लिया है एक बाउल में, ये देखिए इसे मैं थोड़ा पानी भी मिक्स कर ली हूँ। और इसके साथ मैंने बनाया है सादा चावल। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। ये देखिए मैंने दही को बघार दिया है, और अब मैं बनाने जाऊंगी ग्रीन चटनी। इसे मैं कोतमीर और पुदीने को तोड़ के पानी में वॉश करने के लिए रख दी थी, भीगने के लिए थोड़ा सा। अब मैं इसे ग्राइंड करूंगी। ये हमारी ग्रीन चटनी बनने जा रही है। मैंने इसमें लहसुन भी ऐड कर दिया है, इसमें दो हरी मिर्च भी डाले हैं, और 1 टीस्पून लेमन जूस भी मैंने डाला है। अब इसमें डालूंगी मैं 1 टीस्पून चाट मसाला, नमक इसमें ऑलरेडी होता है चाट मसाले में, तो आप टेस्ट करके अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं नमक। तो हम इसे थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर मेरा लंच रेडी हो चुका है। यहाँ है सादा खाना, और ये है बघारा हुआ दही, ये ग्रीन चटनी। इसके बाद मैं लंच के बाद एप्पल भी खाऊंगी, और मैंने सुबह में खाया था इडली, थोड़े से इडली बच गए हैं। अब मैं लंच करने वाली हूँ। अब ये है मेरा टी टाइम, मैं चाय पीने जा रही हूँ, और चाय के साथ मैं बिस्किट खाना पसंद करती हूँ। आपको मेरे वीडियो में बच्चों के खेलने की ज़्यादा आवाज़ आ रही होंगी, क्योंकि हमारे घर के बाहर बहुत सारे बच्चे खेलते रहते हैं शाम के वक्त में। तो अब मैं चाय पीने जा रही हूँ, और ये है मेरा न्यू पर्स, मैंने इसे थोड़े दिन पहले ही खरीदा है। ये इस कलर का पर्स नहीं था मेरे पास, तो ये कलर मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने इसे खरीद लिया है। बहुत अच्छा लग रहा है पर्स। मैं अक्सर सर्दियों में, सर्दियां आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं, दिसंबर का महीना है, तो 2 या 3 टाइम मैं चाय पी लेती हूँ। तो आज मेरी व्लॉग वीडियो यहीं तक ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।